नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 10वें अध्याय जीवों में श्वसन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम श्वसन क्यों करते हैं और हमने श्वसन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हमारे श्वसन के अंगों के विषय में चर्चा प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि हम श्वसन कैसे करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के लिए एक संपूर्ण तंत्र बना हुआ है, जिसे हम श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ महत्व के अंग हैं जो कि श्वसन की प्रक्रिया में मददगार साबित होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन अंगों को देख लेते हैं। हमारे श्वसन तंत्र की शुरुआत हमारी नासिका के आगे आए हुए दो छिद्रों से होती है, जिन्हें हम नासा द्वार कहते हैं। यह नासा द्वार आगे चलकर के एक गुहा में मिलती है, जिसे हम नासिका गुहा कहते हैं। हमारे मुख के अंदर का जो गुहा वाला भाग है, उसे हम मुख गुहा कहते हैं। यह नली आगे चलकर के ग्रसनी में रूपांतरित हो जाती है। ग्रसनी वह अंगिका है जहाँ पर नासिका गुहा और मुख गुहा से आने वाली नलिकाएं आकर के मिलती हैं। यह ग्रसनी से आगे चलकर के एक सी आकार की कुंतलाकार रचना देखने को मिलती है, जिसे हम श्वास नली के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में जो पसलियों का बना हुआ भाग है, उसे पसली पंजर कहते हैं। और इस पसली पंजर के अंदर हमारे श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग, या हम कह सकते हैं हमारे श्वसन का मुख्य अंग, फेफड़ा आया होता है। इसके नीचे जो मांसपेशियों की बनी हुई संरचना होती है, उसे हम डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। यह सभी अंग श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब चर्चा करते हैं कि हम श्वसन करते कैसे हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम अपने नथुनों यानी नासा द्वार से जो वायु अंदर की तरफ लेते हैं, जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, तो यह अपने नथुरों से नासा गुहा में चली जाती है। यानी जब कभी भी हम अंतःश्वसन के दरमियान जो श्वास नासिका छिद्रों से अंदर लेते हैं, वह सबसे पहले नासिका गुहा में प्रवेश करती है। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर के अपने फेफड़ों यानी फुफ्फुस तक पहुंच जाती है। विद्यार्थी मित्रों, फेफड़ों को हम फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, यानी जो हमारे छाती के अंदर का जो गुहा है, उसमें हमारे फेफड़े सुरक्षित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पतलियों से घिरी हुई होती है। छातियों के भाग में जो हड्डियों से बनी हुई एक पिंजर जैसी रचना है, उसी को हम पतली पंजर के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक बड़ी पेशी परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, वह डायाफ्राम के नाम से जानी जाती है। श्वसन की प्रक्रिया में ये जो पसलियों से बनी हुई पसली पंजर की रचना है, यह और डायाफ्राम, इन दोनों की गति सम्मिलित होती है, जिसके कारण श्वसन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, तथा डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इससे होता क्या है, यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और जो ऑक्सीजन समृद्ध वायु है, वह हमारे फेफड़े में आ जाती है और जो हमारा फेफड़ा है, वह वायु से भर जाता है। इसके विपरीत उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है और अपनी पूर्व स्थिति में पुनः आ जाता है। अब इससे क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाने से हमारे फेफड़ों पर दबाव लगता है और उस दबाव के कारण जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु है, वह शरीर से बाहर त्याग कर दी जाती है। आइए अब हम एक चित्र द्वारा इन दोनों प्रक्रमों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अंतःश्वसन की। अंतःश्वसन के दरमियान सबसे पहले पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, इसके फलस्वरूप वायु अंदर आती है। जबकि उच्छ्वसन में यह प्रक्रम उल्टा दिया जाता है, उसमें पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं, डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में पुनः वापिस आ जाता है और वह ऊपर की ओर खसकता है, इसके कारण वायु शरीर से बाहर की ओर धकेल दी जाती है।
सामान्यतः हमें इस चीज का आभास नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं, परंतु अपना शरीर इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकता है। इसके लिए हम एक गहरी सांस लेंगे और अपनी हथेली को अपने उदर पर रखेंगे और उदर की गति का अनुभव करेंगे, तब हमें पता चल सकता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। श्वसन के दरमियान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होता है, यानी जो हमारी छाती की जो गुहा है इसका आकार बदलता है। विद्यार्थी मित्रों, फेफड़े हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, परंतु हम हमारे फेफड़ों को धूम्रपान जैसी हानिकारक प्रक्रिया द्वारा क्षति पहुंचाते हैं। हमारे फेफड़े अत्यंत स्वस्थ होते हैं, परंतु हम धूम्रपान करके अपने फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अगर यही क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे और शरीर को ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वह नहीं हो पाएगी। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गहरी सांस लीजिए और किसी माप पट्टी या फीते की सहायता से अपने वक्ष का आमाप लीजिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख। इस प्रकार आप यह जांच कर पाएंगे कि आप श्वास अंदर ले रहे हैं उसके कारण आपकी जो वक्ष है उसका आकार बढ़ रहा है, और इससे यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके फेफड़े कितने स्वस्थ हैं, कि आप कितनी वायु अंदर समा सकते हैं। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब इस क्रियाकलाप से हम एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो एक वाय आकार की कांच की नलिका चाहिए, एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए, 3 गुब्बारे चाहिए और रबर बैंड चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए और उसके पेंदे को काट करके अलग कर दीजिए। अब वाय आकार की कांच की अथवा प्लास्टिक की एक नली ले लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साथी सिरे पर 2 गुब्बारे लगा दीजिए। नली को चित्र में दर्शाए अनुसार बोतल के अंदर फिट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, बोतल का ढक्कन लगा देना है तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर देना है कि जिससे वह वायु रुद्ध हो जाए, यानी वायु अंदर से बाहर ना जा सके या बाहर से अंदर ना आ सके। बोतल के खुले पेंदे पर रबर अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तान करके किसी रबर बैंड की सहायता से बांध देनी है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबर की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचे, जैसा कि आप पहले चित्र में देख सकते हैं, और गुब्बारे में क्या हो रहा है उसका आपको नोट करना है। आप देखेंगे कि गुब्बारों का आकार बढ़ने लगता है। अब एक और परिवर्तन करेंगे जिसमें रबर की परत को ऊपर की ओर धकेलना है और गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है उसको भी देखना है। जब आप यह प्रक्रम करेंगे तब आप देखेंगे कि जो गुब्बारे हैं उनका आकार छोटा हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, प्रक्रिया द्वारा हम हमारा शरीर किस तरह से श्वसन करता है उसे समझ सकते हैं। यह एक डायाफ्राम का मॉडल है। चलिए अब हम इस मॉडल को बनाते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। हमें एक पानी की बोतल चाहिए, हमें एक स्ट्रॉ चाहिए, हमें 3 गुब्बारों की जरूरत पड़ेगी और एक सेलोटेप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक स्ट्रॉ को काट देंगे, उसके बीच में 2 टुकड़े कर देंगे और उसे इस तरह वाय आकार के शेप में लगा देंगे। उसके दोनों सिरों पर हम जो गुब्बारे लिए हैं उन्हें सेलोटेप की सहायता से हवा चुस्त रूप से बांध देंगे। अब जो हमने प्लास्टिक की बोतल ले रखी है उसके ढक्कन के अंदर हम एक छेद करें और उसके छेद में हम ये जो स्ट्रॉ है उसको बिल्कुल इस तरह से लगा देंगे और इसे ऊपर से मैंने ग्लू स्टिक की सहायता हवा चुस्त रूप से इसे बंद कर दिया है। अब हम जो हमारी पानी की बोतल है उसकी पेंदी से उसे काट लेंगे और उसके नीचे जो तीसरा हमारा गुब्बारा है उसको काट करके बिल्कुल इस तरह से लगा देंगे। अब हमने जो ये स्ट्रॉ के अंदर गुब्बारे लगा रखे हैं हम इसे इस बोतल के अंदर डाल देंगे और इसे ढक्कन से बंद कर देंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह मॉडल बिल्कुल हवा चुस्त रूप से बंद हो गया है। अब हम क्रियाकलाप करते हैं। हम ये जो नीचे रबर की परत है उसे एक बार बाहर की तरफ खींचेंगे और एक बार अंदर की तरफ दबाएंगे। अब जब विद्यार्थी मित्रों मैं इस रबर की परत को अंदर की तरफ दबाता हूं
तब आप देखेंगे गुब्बारे पिचक जाते हैं, और जब मैं इसे बाहर की तरफ खींचता हूँ तो गुब्बारे फूल जाते हैं, जब मैं इसे अंदर दबाता हूँ तो गुब्बारे पिचक जाते हैं, और इसे बाहर की तरफ खींचने पर गुब्बारे भर जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, इस क्रियाकलाप द्वारा हम डायाफ्राम की जो कार्य पद्धति है उसको सही ढंग से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आज के इस वीडियो के द्वारा आपने हम श्वसन किस तरह से कर सकते हैं उसके विषय में जरूरी जानकारी प्राप्त की होगी, तथा आपने हमारे डायाफ्राम के मॉडल को भी जरूर से बनाना सीख लिया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।